तो दोस्तों कलर टीवी का एक प्रोग्राम जिसका नाम है बिग बॉस। बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिस शो को होस्ट करते हैं सलमान खान। बता दो दोस्तों बिग बॉस के अभी तक टोटल 13 सीजन आ चुके हैं और ये 13 के 13 सीजन काफ़ी ज़्यादा हिट रहे थे। अभी पिछले दिनों ही अनाउंसमेंट हुआ था कि बिग बॉस का जो 14वां सीजन है उसकी शूटिंग भी जल्द स्टार्ट होगी और सितंबर महीने से बिग बॉस हमें फिर से टीवी पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि सलमान खान का एक प्रोमो आया था जिससे हमें पता चलता है कि बिग बॉस जल्द चालू होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अंदर के कुछ खबरें आ रही है कि बिग बॉस सीजन 14 अब शायद शुरू नहीं हो पाएगा और इस सीजन को पूरी तरह से बंद करने का मन बना लिया है इस शो के मेकर्स ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस के मेकर्स ने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और उसमें उन्होंने बताया है कि बिग बॉस जहां पहले सितंबर से चालू होने वाला था लेकिन अब इस बिग बॉस को एक महीने आगे बढ़ाकर अक्टूबर से चालू कर दिया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि इस वक्त मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश की वजह से बिग बॉस का जो सेट है वो नहीं लग पाएगा, जिसके कारण से इस शो को एक महीने आगे बढ़ाने की उनका प्लानिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों अंदर से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि बिग बॉस को एक महीने आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस शो को ही पूरी तरह से बंद किया जाएगा और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ के गए हैं उसके बाद से ही सलमान खान के ऊपर लोगों का जो गुस्सा और जो हेट है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, जिसकी वजह से बिग बॉस के मेकर्स को लगता है कि अगर वो बिग बॉस शो चालू करते हैं तो जो लोगों का गुस्सा सलमान खान के ऊपर है उसकी वजह से बिग बॉस शो को कोई नहीं देखेगा और बिग बॉस में जहां करोड़ों की लागत लगती है और अगर लोग बिग बॉस शो को नहीं देखेंगे तो मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जिसके चलते मेकर्स चाहते हैं कि जब तक सब कुछ मामला ठंडा नहीं हो जाए और सलमान खान के ऊपर जो लोगों का गुस्सा है वो कम नहीं हो जाए तब तक वो बिग बॉस सीजन 14 को चालू नहीं करेंगे। तो दोस्तों एक तरीके से देखे जाए तो शायद बिग बॉस सीजन 14 हमें इस साल देखने को नहीं मिल सकता, या हो सकता है कि सलमान खान के ऊपर पब्लिक का गुस्सा कम होने के बाद इस शो को अक्टूबर महीने से चालू भी कर दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 14 चालू होना चाहिए या नहीं, और अगर ये शो चालू होता है तो क्या आप बिग बॉस सीजन 14 को देखोगे या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने फेवरेट चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।